देवियों सज्जनों राम राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज हम सुनने वाले हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। इसमें हम सुनेंगे कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद मुनि ने क्या प्रयत्न किया। इससे पहले जो भागवत महापुराण की वीडियो आई है उसमें भक्ति के दो पुत्रों के बारे में बताया गया है। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग में किस अवस्था में हैं, इस बारे में उस वीडियो में बताया गया है। तो आइए अब उससे आगे की वीडियो में हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हुई और कहते ही कि कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये भक्ति पुत्र उत्साहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का कुछ उपाय सोचता हूँ। वे भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर जगाने लगते हैं। फिर उनके कान में आवाज देते हैं कि ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग्य जल्दी जागो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, लेकिन आलस्य के कारण बार बार जमाई लेने लगे। उनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए थे। फिर भूख प्यास के मारे दोनों दुर्लभ फिर से सो गए तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे कि इनकी नींद और सबसे बड़ी इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, क्या उपाय किया जाए। सोच सोच कर दुखी होने लगे और श्री नारायण को याद करने लगे। नारद जी ब्रह्मा के तेजस्वी पुत्र हैं। उन्हें दुखी जानकर तभी एक आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग यह कार्य निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि इसके लिए तुम सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने मार्ग तो बताया है, लेकिन वह भी गुप्त है। यह नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करना है और वो संत श्रोमणि कौन है और कहाँ मिलेंगे जो इसके बारे में बताएंगे। इतना सोचकर नारद मुनि अपने कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो प्रत्येक तीर्थ में जाकर मुनियों और ऋषियों से इस बारे में पूछते हैं। सभी उनकी बात को ध्यान से सुनते पर कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ थे। कुछ इसे असाध्य बताते तो कुछ मौन हो जाते। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी कानाफूसी करने लगे कि देवऋषि नारद के वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करने से भी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ सके तो भला अब क्या उपाय हो सकता है। स्वयं देवऋषि नारद को इस विषय में ज्ञान नहीं है तो इस त्रिलोक कौन व संतों का संत श्रोमणि और ज्ञानी है। नारद जी जिन जिन संतों से पूछते वो सब इसे असाध्य ही बताते तो नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, अब मैं तप करूंगा तभी इसका समाधान निकलेगा। लेकिन तभी उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनि प्रकट हुए। नारद जी ने जैसे ही सनकादि ऋषि को देखा तो समझ गए कि त्रिलोक में इनसे बड़ा संत श्रोमणि कोई नहीं है, यही है जो मेरे साधन का उपाय कर सकते हैं। नारद जी बोले, महात्मन ये मेरा सौभाग्य है कि आपका यहाँ आगमन हुआ। आप विद्वानों के विद्वान हैं, कृपया मेरे साधन का उपाय बताएं। सनकादि ऋषि बोले, देव ऋषि आप चिंता न करें, आप मन में प्रसन्न हो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का एक सरल उपाय है। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ये चारों ही मुक्ति का मार्ग हैं।
जो स्वर्ग आदि कराने वाले हैं, लेकिन पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है और इस ज्ञान यज्ञ का साधन यह श्रीमद् भागवत ही है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। इसके द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी, खेलेगी। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। नारद जी ने कहा, हे महानुभाव, मैं समझ गया, आप निरंतर ही शेष जी के सहस्र मुख से गाए हुए श्री भगवत कथा का ही पान करते रहते हैं। मैं ज्ञान और वैराग्य के लिए वैसा ही करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यह थी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।